ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां धमाके के साथ अचानक फट गई आरसीसी से बनी वर्षों पुरानी सड़क। साथ ही बात होगी शिवपुरी की, जहां तहसील के बाबू का रिश्वत लेते हुए वीडियो हुआ वायरल, और बताएंगे कैसे उत्तराखंड में पंत नगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। प्रदेश भर में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान में हर व्यक्ति बेचैन है। एटा जिले के अलीगंज कस्बे में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अलीगंज कस्बे के मुस्तफा सब्जी मंडी के पास बनी एक किराना की दुकान के सामने अचानक जोरदार धमाके के साथ आरसीसी में बनी सड़क फट गई। धमाके की आवाज़ सुनने से आसपास के लोग मौजूद हो गए और हर कोई तेज धमाके की आवाज़ सुनकर दंग रह गया। सड़क में अचानक धमाके की आवाज़ आने के साथ दरार पड़ने की घटना पास में लगे ही सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। घटना रविवार दोपहर 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है। सड़क में दरार आने के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, चर्चा करने लगे। हर व्यक्ति सड़क फटने की वजह से तेज़ गर्मी और बढ़ते तापमान को मान रहे हैं। अचानक सड़क फटने की घटना शहर में चर्चा का विषय बनी है। वहीं किराना व्यवसायी मनीष कुमार ने कहा कि दुकान पर वो बैठे थे और अचानक जोरदार धमाका हुआ, कुछ समझ नहीं आया। आसपास देखा तो सामने सड़क में लंबी चौड़ी दरार आ गई। ये सड़कें वर्षों पुरानी बनी है और आरसीसी से बनी सड़क में अचानक चटकने आने से आसपास के लोग दहशत में हैं। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के बदरवास तहसील के ग्रेड 3 बाबू जितेंद्र शर्मा द्वारा रिश्वत लेते का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में बाबू किसान से खाते की नकल के नाम रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। तहसील के बाबू का वीडियो वायरल होने के बाद तहसीलदार ने बाबू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही पत्र में लिखा है कि संतुष्टिपूर्वक जवाब न देने पर निलंबित किया जा सकता है। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड से है। यहाँ रुद्रपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ विधायक शिव अरोरा ने 62 स्कूलों के 350 से अधिक 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर स्मृति चिन्ह प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में शिव तांडव और अन्य धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पवन अग्रवाल, गुरमीत सिंह, सुभाष अरोरा, सतीश अरोरा, डॉक्टर सीमा अरोरा, राजकुमार चौधरी, जसविंदर सिंह खरबंदा इत्यादि लोग मौजूद रहे। सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, उन सभी बच्चों का हमने यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है। सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ बड़े उत्साह के साथ आए हैं और सभी प्रबंधन भी आए हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है उन बच्चों को सम्मान करने का, ताकि आने वाले समय में वो विशेष स्थान जो उनकी प्रतिभा है उसके आधार पर प्राप्त कर सकें। और मैं यहाँ का विधायक होने के नाते, चूँकि सारे मेरे परिवार के बच्चे हैं, तो मुझे भी बहुत बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है। और आज ये प्रतिभा सम्मान जिसमें सैकड़ों बच्चों ने यहाँ सहभागिता की है, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इन्हीं प्रतिभाओं में से ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में विशेष स्थान प्राप्त करेंगे, और जिससे इस क्षेत्र के लोगों का, उनके परिवार का, विद्यालयों का सीना गर्व से चौड़ा होगा। रुद्रपुर से सीनियर संवाददाता शादाब की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड से। यहाँ थाना पंतनगर और चौकी सिटकुल में मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा। एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार पुलिस ने सिटकुल औद्योगिक क्षेत्र में चौराहे पर संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसने अपनी गिरफ्तारी के बाद सिटकुल क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। पुलिस द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी की 2 अन्य मोटरसाइकिलें बरामद की गई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना पंतनगर द्वारा मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला है? देखिए, काफ़ी समय से सिटकुल चौकी क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया, जिसमें चौकी इंचार्ज सिटकुल प्रदीप कुमार को इंचार्ज को ये काम सौंपा गया कि उसी से मोटरसाइकिल चोरी होकर पर्दाफाश करें। इसी क्रम में उनके द्वारा लगभग 150 से अधिक सीसीटीवी को अवलोकन किया गया और संदिग्ध को पूछताछ की गई। कल वोल्टाज कंपनी सिटकुल के पास से मोटरसाइकिल एक सवार व्यक्ति को पुलिस टीम ने जब रोका तो वो वापस जाने लगा, तो उसको दौड़ के पकड़ लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मैंने मोटरसाइकिल चोरी की गई है। उससे और फिर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं मोटरसाइकिल चोरी करता हूँ। और उसने बताया कि शक्ति मंदिर के पास मैंने जो है झाड़ियों में दो मोटरसाइकिलों को छुपा के रखा, तो वो भी बरामद की करवाई। कुल उससे 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्त का नाम गुलशेर उलवेश हुसैन है, जो टाली के थाने में रहता है।
और उसके ऊपर और भी मुकदमे हैं। कैनेट कैंप में उस पर दो मुकदमे हैं, एक चोरी का है और एक 4/25 का मुकदमा करके उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर इसके अलावा भी इसके ऊपर क्या जो जैसे 3 गाड़ी ये बरामद हुई हैं और 2 मुकदमे पहले, क्या इस पर गैंगस्टर की या किसी और कार्रवाई भी होगी? देखिए जो उचित कार्रवाई होगी उसको गुंडा बनाया जाएगा और जिला बदल कराया जाएगा। ठीक। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है। यहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर तंज कसा। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से हुए आपराधिक मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा, या तो मुख्यमंत्री अपनी ब्रीडिंग करा लें या फिर प्रदेश के कानून व्यवस्था देख लें। मुख्यमंत्री जी को गृह विभाग किसी और किसी को देना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी कानून का डंडा भी अपने पास रखे हैं और अपनी ब्रांडिंग भी कराना चाहते हैं। ये जितनी भी बातें हैं ये सुरक्षा से संबंधित हैं मध्य प्रदेश की, और आदिवासी सुरक्षा चाहे दलित की सुरक्षा चाहे सीधी में जो घटना घटी बच्चियों के साथ, चाहे आपके नर्मदापुरम में रेत की जो अवैध उत्खनन हो रही है उसमें सीओर कलेक्टर को अभी आपके जुग्गी झोपड़ी भाजपा के ही प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने चूड़ियां भेंट की है कलेक्टर को, खनिज अधिकारियों को, तो ये मुख्यमंत्री जी गृह विभाग खुद संभाल रहे हैं। एक तरफ अपनी ब्रांडिंग में लगे हैं कि लालू यादव और अखिलेश यादव से भी बड़े नेता बनना चाहते हैं, ये ब्रांडिंग कर ले देश में पूरे में यूपी बिहार घूम के या यहाँ की प्रदेश की कानून व्यवस्था को देख ले। अब दोनों चीज़ें एक साथ हो नहीं सकती, तो मेरी तो सलाह है मुख्यमंत्री जी को कि गृह विभाग किसी अपने विश्वसनीय को दे देना चाहिए ताकि आप यहाँ पे प्रदेश के अंदर व्यवस्थाएं कानूनी रूप से ठीक रहे। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी सब चीज़ें अपने हाथ में रखना चाहते, कानून का डंडा भी रखना चाहते, ब्रांडिंग भी कराना चाहते, दोनों चीजें एक साथ कैसे होगी? भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है। यहां गावा वन विभाग ने गावा थाना क्षेत्र के धरवे के जंगल में अवैध ढिबरा उत्खनन को उजागर करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। गावा वन प्रभारी पवन चौधरी ने बताया कि ग्रामीणों से गुप्त सूचना मिली थी, इसके आधार पर हमने टीम गठित कर छापेमारी की। यहां जिलेटिन 45 पीसी, डेटोनेर 1 पीसी, माइका 4 क्विंटल, हथौड़ी 3 पीसी, सबलताई 2 पीसी, सप्टा पाइप 120 फीट, बिजली का तार खदान के पास बरामद किया गया। खदान संचालक मजदूर भागने में सफल रहे। संलिप्त व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा है और दोषियों को लगातार गिरफ्तार किया जाएगा। और गावा थाना में भी विस्फोटक सामग्री पाए जाने को लेकर एक आवेदन किया गया है। कार्रवाई गावा रेंजर अनिल के निर्देशन पर हुई। वहीं मौके पर अभियान में प्रभारी वनपाल पवन चौधरी, वनरक्षी हीरालाल पंडित, पविंद्र गुप्ता, बमशंकर वर्मा, सुनील हेम्ब्रम, राजेंद्र प्रसाद, जिलाजीत कुमार इत्यादि मौजूद थे। ग्रामीणों द्वारा सूचना प्राप्त हो रही थी कि धरवे सुरक्षित वन में अवैध रूप से माइका का उत्खनन किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही वन क्षेत्र पदाधिकारी गांव के निर्देश पर एक छापेमारी टीम का गठन कर हम लोगों ने धरवे जंगल में छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में खनन स्थल से 45 पीस जिलेटिन, 1 पीस डिटोनेटर, लगभग 4 क्विंटल माइका एवं माइका खनन करने का उपकरण सहित बहुत से सामानों को हम लोगों ने जब्त किया है। मामले की छानबीन की जा रही है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें वन अधिनियम के तहत वनवाद दायर करने के उपरांत एक थाना में भी विस्फोटक से संबंधित एक प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। बालाघाट जिले में गौतस्करों पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, बावजूद गौतस्करी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर जिले के थाना चांगो टोला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गौतस्करी के मामले में 3 लोगों को 40 नग गौवंश के साथ पकड़ा है। और संबंध में SDOP सतीश साहू ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि कुकड़ा बरखों के कच्चे रास्ते जंगल होते हुए कुछ लोगों द्वारा मवेशियों को क्रूरतापूर्वक ले जाया जा रहा है, जिस पर चांगो टोला थाने से बल भेज कर गौवंश को ले जाते वक्त 3 आरोपियों सहित 40 गौवंश थाने में लाए गए। यहां आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई जारी है। सर, चांगोटोला थाना अंतर्गत एक गौ तस्करों को पकड़ा है, क्या मामला है सर, कहां से? चांगोटोला चूँकि सिवनी जिले से लगा हुआ थाना है हमारा, और उसकी सीमा सिवनी जिले से लगती है, और सिवनी जिला गौ तस्करों के कुख्यात।
तो हमें लगभग सूचनाएं मिल रही थी मुख्यमंत्री के माध्यम से कि गौ तस्कर यहाँ भी सक्रिय हैं, तो थाना प्रभारी को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी और हमने मुख्य टीम को सक्रिय करके हमने काम पे लगाया और सफलता हासिल की। लगभग 40 से 45 गोवंश पकड़ाए हैं। इसमें तस्करों ने कबूल किया है कि वो उसको कत्ल खाने ले जाने के लिए वो हाथों ही लेके जा रहे थे। कितने लोग थे सर वो? तीन लोग थे। तीन लोग थे। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से है। यहाँ श्री राम मंदिर प्रांगण में प्रथम विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समस्त ग्रामवासियों ने उत्साह से हिस्सा लिया। महिलाओं ने भी इसमें अपना अहम योगदान दिया। शिविर में कुल 80 यूनिट ब्लड का संग्रहण हुआ, जो कि गर्मी के मौसम में अद्भुत है। इस मुहिम में स्थानीय अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर भी सक्रिय भूमिका निभाई। पूर्व विधायक अनिल जैन ने भी इस शिविर को संबोधित किया और रक्तदान करने वालों की प्रशंसा की। मुहिम में ग्रामवासियों का उत्साह देखने लायक था, जिसने रक्तदान के लिए उन्हें प्रेरित किया। नसीराबाद के गाँव के लोगों ने भी इस मुहिम में अपना योगदान दिया। इस शिविर को सफल बनाने में स्थानीय प्रतिनिधियों और नागरिकों ने अहम भूमिका निभाई। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। ये तो थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।